में कई जगह राजनीतिक हलचलें तेज हैं, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, रोड शो कर रहे थे और रोड शो में लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। फिलहाल इस पर हम अभी राजद कार्यालय में हैं और हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं। इनसे भी हम जानकारी लेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया, सर क्या चल रहा है। हम जब जदयू नेताओं से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सड़क पर जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष समय चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। जेपी नड्डा जी बिहार आए, उनके कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से आवाज़ उठाई कि बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। जबकि चल रहा है नीतीश मुक्त सरकार, हम समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में कैसा मेल। बिहार इन दिनों इन दोनों पार्टियों के अहम के चलते, चक्राहट के चलते पूरा बिहार का विकास बाधित है। अपराध फल फूल रहा है, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, व्यभिचार अनाचार शोषण से बोल रहा है। कभी उसको वो आँख दिखाता है, कभी वो उसको आँख दिखाता है। इन परिस्थितियों में नुकसान तो बिहार का हो रहा है। महंगाई पे चर्चा कोई नहीं करता, निवाले पे टैक्स पे चर्चा नहीं करता, बेरोजगारी का आलम जिस तरह से छाया है देश भर में, इस पर चर्चा कोई करता नहीं। पार्लियामेंट में भी चर्चा करने में तैयार नहीं है। अग्निवीर देश को स्वीकार नहीं, थोप दिया गया। हर चीज ठेके पे, हर संस्थानों को ठेके पे लगा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। कहाँ जाएगा युवा? क्या माना जाए बिहार की जनता को गुमराह करने की इस तरह से हो रहा है? बिहार की आवाम वो लाख से प्रयास करे गुमराह करने की, पर गुमराह नहीं हो सकता है बिहार की आवाम। इन दोनों की कार्यशैली को बिहार की आवाम ने बहुत ही गंभीरता से देखी है। ये सत्ता के लिए एक दूसरे का तलवा चाट सकते हैं, और बिहार के हितों के सवाल पर ये कभी एक नहीं हो सकते। बिहार का हित क्या है? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। आपका नीति आयोग कहता है कि हर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। क्या लेकर के आए हो बिहार? नड्डा जी आए हैं, बिहारवासियों को क्या देंगे? महंगाई पर चर्चा करेंगे? चर्चा करने जाए बेरोजगारी पर, पलायन पर, दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ती संख्या पर, प्राइवेट सेक्टर में तब्दील होता हुआ भारत सरकार के सभी उपक्रमों पर चर्चा करना चाहिए। तो रेल से सेल से लेकर कोल इंडिया, LIC, एयरलाइंस, BSNL, सबको आपने डाल दिया प्राइवेट सेक्टर में। कहा जाएगा युवा? एकदम असहज स्थिति है, गिरा रहा है महंगाई से, सिलेंडर की कीमत तो निवाला पर टैक्स लग गया, GST पर चर्चा करती है, निवाले पे टैक्स की चर्चा होती है, महंगाई पे चर्चा के लिए तैयार है। देखिए वो नारा लगाए, तो सर्कस जब सड़कों पर सर्कस ही दिखाना है तो आप दिखा लो। पिछले कुछ दिनों से बात की चर्चा लगातार हो रही है बिहार में सरकारी स्कूल जो है पैकेज तो बंद होना चाहिए। कौन चर्चा है? अच्छा शिक्षा हो ये ना होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन अवकाश होते हैं। अब जिन विद्यालयों में एक धर्म के लोग ही अगर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति एक फ्राइडे को हो जाता है, तो वहाँ तो यह भी जानकारी इन लोगों को नहीं है, ये फजूले लोग हैं। प्राइमरी और मध्य विद्यालयों के स्तर पर एक कमेटी गठित है ग्राम में, वह निर्णय लेती है सहूलियत के हिसाब से। इसमें राज्य और काज या धर्म नहीं जोड़नी चाहिए। शक्ति सिंह यादव का कहना है कि जदयू हो चाहे बीजेपी हो, ये जरूरी मुद्दों पे सवाल नहीं करते हैं, जरूरी मुद्दों पे बहस नहीं करते हैं। चाहे बेरोजगारी का मसला हो, रोजगार का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, ये ऐसे मुद्दों पे चर्चा करते हैं जिससे आवाम का कोई भला नहीं होने वाला है। वहीं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के बाद पे जो छुट्टी को लेकर के बहस हो रहा है, वो बहस बिहार के आवाम और जनता के लिए होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर होना चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर होना चाहिए, ताकि जनता का भला हो सके। दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के बीच में जो आपसी में खींचातानी चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि दोनों बिना सत्ता के नहीं रह सकते और सत्ता के लिए दोनों एक दूसरे का तलवे चाट सकते हैं। विमल कुमार, राजद कार्यालय, पटना से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.